हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी बैंक का बैलेंस आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखें और स्टेप बाय स्टेप मैं यहां पे आप सभी को समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप सभी के प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों, वीडियो के नीचे ये सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेनू पे क्लिक करना है। मेनू पे क्लिक करने के बाद जाना है प्ले स्टोर पे, और प्ले स्टोर पे यहाँ पे आप सभी को सर्च करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल बैंक बैलेंस इंक्वायरी, तो चलिए सर्च कर देते हैं। सर्च करने के बाद आप सभी के सामने बहुत सारे एप्लीकेशन खुल जाएंगे, और यहाँ पर सबसे पहला वाला एप्लीकेशन जिसकी इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करना है। तो चलिए पहले ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, इसकी साइज़ जो है वो है 1.64 MB का, काफ़ी छोटा एप्लीकेशन है और बड़े ही आसानी से आपके मोबाइल पर इंस्टॉल हो जाएगा। तो इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करिए। चलिए हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। पहले से ही मैंने अपने मोबाइल पर इसको इंस्टॉल कर लिया है। अब दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को अपने बैंक का नाम देख कर सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम अपने बैंक को सिलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही आप अपने बैंक को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप सभी को बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। ये चार ऑप्शन है दोस्तों, बहुत सारे नहीं हैं। सबसे पहला है बैंक बैलेंस चेक, यहाँ पे *99# का ऑप्शन भी मिलेगा, SMS बैंकिंग का ऑप्शन भी मिलेगा और इंटरनेट बैंकिंग का भी ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों, आपको सबसे पहला वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आप सभी को तीन कॉन्टेक्ट नंबर दिखाई दे रहे होंगे। चलिए यहाँ पर ऐड आते रहते, तो इसको बैक कर दीजिए। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बताया कि यहाँ पर आप सभी को तीन नंबर दिखाई देंगे। सबसे पहले वाला बैंक बैलेंस के लिए है, दूसरा मिनी स्टेटमेंट के लिए है, तीसरा कस्टमर केयर का नंबर है। दोस्तों, तो यहाँ पे आप सभी को सबसे पहला वाले नंबर पे मिस कॉल करना है, और दोस्तों ध्यान देना है कि आप उसी नंबर से कॉल करें जो नंबर आपने बैंक में दिया है, जो आपके अकाउंट से लिंक है। दोस्तों, उसी नंबर से आप इस नंबर पर कॉल करें। कॉल करने के बाद दोस्तों एक छोटा सा मिस कॉल जाएगा, और उसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल पर एक SMS आएगा, और उसमें दोस्तों आप सभी के बैंक के बैलेंस की जानकारी दी होगी कि आपके अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने बैंक के बैलेंस को चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल से बड़े ही आसानी से। तो दोस्तों, इस वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बिंदास पूछ सकते हैं, और उस प्रॉब्लम को हल करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, कुछ इस प्रकार का सब्सक्राइब का बटन होता है, इस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।